आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी सी रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने जार। तो जार के अंदर हम डालेंगे पुदीना, यानी जो रेस्टोरेंट में आप चटनी खाते हैं ना, जो प्याज के साथ मिलती है, जो सिरके वाली प्याज होती है और उसके साथ मिलती है, तो आप सोचते होंगे कि वो चटनी कैसे बनती है। तो आज वही चटनी बना रहे हैं हम होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल दिए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। तो ये 100 ग्राम लिया है मैंने, तो इसको अच्छे से साफ कर लिया, डंठल भी ले लेंगे इसके। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पालक। तो पालक की ये मैंने 4 से 5 पत्तियां ली हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से 4 से 5 पत्तियां ली हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर 4 से 5 इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे, यानी जितना आपको तीखा पसंद है आप उस हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हो। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देंगे, तो ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और 10 से 12 हम लहसुन की कलियां डाल देंगे इसके अंदर। ये 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं। फिर उसके बाद हम डाल देंगे एक यानी आधा नींबू का रस। फिर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा यानी आधी छोटी चम्मच। फिर उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर सफ़ेद नमक, जो खाने वाला होता है सफ़ेद डाल देंगे। फिर उसके बाद यानी 1 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक लिया है, तो 1/4 चम्मच हम इसके अंदर ये काला नमक ले लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर दही और पालक के पत्ते, जिससे टेस्ट आएगा बिल्कुल वैसे ही। तो आप ये दोनों चीज़ स्किप ना करें, एक बार को पुदीना कर दें, या आप लहसुन नहीं खाते तो आप वो कर दें, या अदरक भी कर दें, पर ये दोनों चीज़ स्किप ना करें। अब मैं इसका ढक्कन बंद करूँगी और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वही कलर और वही सारी चीज़ हमें इस चटनी के अंदर मिल गया है, जो कि रेस्टोरेंट में मिलता है, और टेस्ट भी इसका वैसे ही आएगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं करूँगी इसको सर्व। तो हमारी यम्मी सी टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार है। तो इसको डेकोरेट कर देती हूँ थोड़ी सी पुदीने की पत्ती के साथ। तो खाने में ये तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।